गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक दिन में मैं क्या खाती हूँ। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छा अच्छा हेल्थी हेल्थी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आजकल मैं एक चीज नया स्टार्ट किया है, जिंजर ग्रीन टी लेना ब्रेकफास्ट के साथ। ग्रीन टी बनाने के लिए मैं हमेशा फ्रेश जिंजर का यूज करती हूँ और मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक जिंजर लिया है। जिंजर मैं छील के पतला पतला काट लूंगी। सुबह सुबह इस टी से मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है और ग्रीन टी और जिंजर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कटा हुआ जिंजर को गर्म पानी के अंदर डाल देना है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं मेरी ऑमलेट के लिए सब्जी काट लेती हूँ। मैं इसे वेजी ऑमलेट बोलती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल डालती हूँ। आज मैं डालूंगी सिर्फ कैप्सिकम, क्योंकि मुझे आज और कुछ डालने की मन नहीं कर रहा है और कैप्सिकम भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आयरन है। पैन में चॉप्ड ऑनियन डालूंगी और ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी। थोड़ी देर के लिए ऑनियन को कुक करूंगी। जैसे ही ऑनियन थोड़ा सा कुक हो जाएगा मैं कैप्सिकम भी ऐड कर लूंगी। सब्जियों में थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर ऐड करूंगी। सॉल्ट थोड़ा देख के ऐड करूंगी क्योंकि मैंने एग में भी सॉल्ट ऐड करके रखा है। जैसे सारा वेजिटेबल कुक हो जाएगा मैं एग मिक्सर को डाल दूंगी। एग डालने के बाद 2 मिनट्स के लिए लीड लगा लूंगी। यहाँ पे मेरे चाय के लिए पानी भी गर्म हो गया। फ्रेश जिंजर का कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, जिंजर पानी से इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। इसके अंदर मैं ग्रीन टी डालूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। ऑमलेट को पलट दूंगी और कुछ सेकंड के लिए रखूंगी और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट के बाद मेरा जो बचा हुआ जिंजर ग्रीन टी है उसको हाथ में लेके पीते पीते कुछ देर रिलैक्स करती हूँ। ओके, नाउ टाइम फॉर लंच। लंच में मैं आज बनाऊंगी बासमती राइस और मटर पनीर की सब्जी। ये मेरा बहुत फेवरेट डिश है क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत हेल्दी भी है। फर्स्ट मैं क्या करूँगी, चावल बिठा दूंगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप चावल लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। चावल बनाने के लिए गर्म पानी बिठा दूंगी। तो मैंने 1 कप चावल लिया है तो 2 कप वाटर लूंगी। यही होता है चावल बनाने के राइट मेजरमेंट। जब तक गर्म पानी हो रहा है तब तक मैं ऑनियन चॉप्ड कर लेती हूँ मटर पनीर बनाने के लिए। यहाँ पे चावल बनाने के लिए पानी गर्म हो गया है। अब मैं चावल डाल दूंगी और उसके बाद एक बॉयल आने दूंगी। जैसे ही एक बॉयल आएगा गैस को स्लो करके ढक्कन बंद कर दूंगी और 15 मिनट्स के लिए चावल को पकाऊंगी। चावल को मैं दूसरे स्टॉप में ट्रांसफर कर दूंगी क्योंकि मुझे ये वाले स्टॉप में पनीर बनाना है। फर्स्ट मैं क्या करूँगी, ऑनियन को कुक करूँगी। उसके लिए थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, उसके बाद चॉप्ड किया हुआ ऑनियन डाल के उसको थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी। ऑनियन जब तक कुक हो रहे हैं मैं पनीर काट लूंगी। ऐसे तो पनीर कटा हुआ ही आया है, मतलब बड़ा बड़ा क्यूब में आया है और मुझे इतना बड़ा क्यूब नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा क्यूब को छोटा कर लूंगी। और पनीर मैंने पहले से ही हल्का गर्म पानी में सॉल्ट डाल के भिगो के रखा था। यहाँ पे ऑनियन कुक हो गया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट क्यूब में है क्योंकि मैं फ्रोजन करके रखती हूँ और ये वाला पेस्ट मैं 6 मंथ तक यूज कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को जानना है कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इसका रेसिपी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ी देर कुक करने के बाद एक टमाटर डालना है। तो मैंने टमाटर को पहले से चॉप करके नहीं रखा था, इसलिए मैं अभी चॉप करके डालूंगी। टमाटर को भी कुछ देर के लिए कुक करूंगी, उसके बाद मटर डाल दूंगी। मटर मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो ठीक है, मगर फ्रोजन मटर में भी उतना ही गुण होते हैं जितना फ्रेश मटर में होती है। अब एक एक करके सारे मसाला ऐड करूंगी। फर्स्ट मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। सारे मसाला मैंने 1/2 टीस्पून ही यूज किया है। सारे मसाला डालने के बाद कुछ देर कुक कर लेना है अच्छे से। 15 मिनट्स हो गया है, मेरा राइस भी पक गया होगा। हाँ, राइस पक गया है। राइस हो जाने के बाद एक स्पून लेके
राइस को अलग अलग कर देना है। गर्म रहते ही उसको अलग अलग कर देंगे तो जब वो ठंडा होगा तभी भी वो अलग अलग रहेगा, चिपकेगा नहीं। फिर से आ जाते हैं पनीर की तरफ। पनीर की सारी मसाला भून गए हैं, थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालूंगी थोड़ा सा। ग्रेवी बॉयल होने लगा है, सारे पनीर की टुकड़े को डाल दूंगी। ग्रेवी के अंदर पनीर को अच्छे से मिला लूंगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूंगी, उसके बाद उसे भी अच्छे से मिला के लिड लगा के 5 मिनट्स तक पकाना है। फाइव मिनट्स के बाद यामी पनीर बन गया है और उसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डालूंगी। हो गया इजी एंड टेस्टी यामी लंच की तैयारी और बहुत हेल्दी भी है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोरिएंडर लीव्स डालूंगी क्योंकि मुझे कोरिएंडर बहुत पसंद है। अब मैं सोफे में बैठ के आराम से लंच करूंगी मेरी फेवरेट सीरीज को देखते हुए। और लंच टाइम पे हमेशा मैं आइदर योगर्ट आइदर फ्रूट लेती हूँ, आज मैं योगर्ट ले रही हूँ। गाइस अब हो गया है डिनर टाइम। डिनर में आज मैं बनाऊंगी पैन फ्राइड चिकन टिक्का, बहुत हेल्थी है और बहुत टेस्टी है। और उसके साथ बनाऊंगी एक सिंपल सा दाल। चिकन टिक्का के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ऐसे नहीं मैरिनेट करके भी मैं कभी कभी बनाती हूँ, मगर आज मेरे पास टाइम है इसलिए मैं मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो बोनलेस चिकन लिया है। मैं सारे मसाला 1 टीस्पून ऐड करूँगी, तो रेड चिल्ली 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और मैं थोड़ा सा स्मोक पेपरिका पाउडर भी ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, चिकन से एक स्मोकी स्मेल आएगा। ये अगर आप लोगों के पास नहीं है या तो नहीं चाहते हो स्मोकी वाला स्मेल, तो नहीं डालने से भी कोई टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सॉल्ट ऐड कर लेना है और थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करना है। मैं क्या करूँगी, सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स करूँगी और उसके बाद एक फ्लिंग से कवर करके फ्रिज के अंदर कुछ देर के लिए रख लूंगी। ओ मैं टर्मरिक पाउडर डालना भूल गई हूँ, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी डाल लूंगी। दाल में चरा दिया है बॉईल होने के लिए और मैं आज बना रही हूँ मूंग दाल। और जब मैं बॉईल करती हूँ उसी टाइम पे 2 मिर्ची भी डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी और थोड़ा सा सॉल्ट। उसके बाद लीड लगा दूंगी, लीड लगा के कुछ देर पकाऊंगी जब तक उसमें एक उबाल ना आएगा। जैसे ही एक उबाल आएगा लीड खोल दूंगी और खुले में पकाऊंगी, क्योंकि अभी मैं लीड लगा के पकाऊंगी तो दाल चारों तरफ गिरने लगेगा। दाल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बॉयल हो गया है दाल, अब मैं उसमें तड़का डालूंगी। तड़का के लिए मैं थोड़ा सा घी डाला है क्योंकि घी की तड़का ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जीरा, उसमें 2 सूखी मिर्ची और तेजपत्ती डाला है और सारे तड़के को दाल के अंदर डाल दिया। दाल बन गया है। मैंने पैन रख लिया है चिकन बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करके चारों तरफ फैला लूंगी, उसके बाद मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है उसे डाल दूंगी। चिकन को पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी पक जाता है और सिर्फ 15 मिनट से लगेगा। जब तक चिकन पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे कैप्सिकम काट कर लेती हूँ क्योंकि मैं चिकन में कैप्सिकम और ऑनियन भी ऐड करूँगी। मैं कैप्सिकम और ऑनियन ऐड कर लिया है। सॉरी गाइस, जिस टाइम पे मैं कैप्सिकम और ऑनियन ऐड कर रही थी कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो ऐड करने के बाद ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। कैप्सिकम ऑनियन को ऐड करने के बाद 5 मिनट्स तक कुक करना है। उसके बाद चॉप्ड कोरिएंडर डाल देना है और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देना है, और वो भी मैं कैमरा में शूट करना भूल गई थी, गरम मसाला डालने वाली पार्ट। चिकन बन गया है, अब बना लूंगी गरम गरम रोटी। और राज वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। राज के लिए पनीर और दाल, मेरे लिए नहीं क्योंकि मुझे पनीर नहीं खाना है दोबारा से, इसलिए मैं सिर्फ रोटी और चिकन डाल लूँगी। डिनर करते करते हम लोग बातें करते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसा गया और मैं क्या किया, राज ने ऑफिस में क्या किया। डिनर करने के कुछ देर के बाद मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। राज का मर्जी है, कभी बोलता है ग्रीन टी दो, कभी बोलता है नहीं दो, तो आज उनको ग्रीन टी नहीं लेने का है।
बस आज का दिन का इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोगों को व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज गिव अ बिग थम्स अप और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।